आपके सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आज हम खड़े हैं दुनिया के सबसे कोल्डेस्ट प्लेस पे, सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस पे, और आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। और हम इस सिलसिले में हम जानेंगे श्री एजाज मुंशी जी से, जो एक सोशल एक्टिविस्ट और टूरिज्म एक्सपर्ट हैं। जनाब, जैसे आपने सही फरमाया कि आज हम दुनिया के सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस में हैं, और यहाँ जो आज हम जमा हुए हैं ये वर्ल्ड टूरिज्म डे को मनाने के लिए है, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल पे इसको डिक्लेयर किया गया कि 29 सितंबर जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म डे है। इस दिन को मनाने का ख़ास मकसद, ख़ासकर जो लद्दाख की हम बात करते हैं, लद्दाख दुनिया का एक ऐसा खूबसूरत इलाका है कि जहाँ टूरिज़्म के लिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और इस दिन का मनाने का मकसद यह है कि किस तरह हम टूरिस्ट को लद्दाख की तरफ रागिब करें। मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इस मौके को समझकर आज जो द्रास में एक इवेंट किया, और ख़ासकर इसमें यूथ्स जो थे, जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर हैं, और समझते हैं ये जो यूथ्स हैं ये हमारे एम्बेसडर हैं, जो कि इस इलाके के हिस्ट्री को लेके, इस इलाके के कल्चर को लेके, इस इलाके के हेरिटेज को लेके ये दुनिया के सामने इस चीज़ को बयान करें। और सबसे बड़ा मकसद था कि यूथ का टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी रहती है। तो आज का जो इवेंट था इसमें वो भी हमारे एक्सपर्ट थे एडी टूरिज़्म, और जिसका यहाँ पर द्रास के जनरल मजिस्ट्रेट ने इसका इनॉग्रेशन किया। तो ये बहुत अच्छा इवेंट है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में जब ये कोविड का ये मुश्किल जब ख़त्म हो जाएगा, तो इसे ऐसे इवेंट्स करगिल के हर ब्लॉक में किया जाए, ताकि उस इलाके के जो टूरिज़्म पोटेंशियल है उसमें जो हमारे पास जो एक टूरिज़्म का असासा है वो दुनिया के सामने आए, और करगिल एक डेस्टिनेशन के हिसाब से वर्ल्ड के नक्शे पर आए। जो बच्चे टूरिज़्म पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मेरा उनके लिए ही मकसद है, मेरा मैसेज है कि सबसे पहले वो बच्चा जो है वो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हो या जिस कबीले से, क्योंकि करगिल रियासत जम्मू कश्मीर का एक ऐसा खूबसूरत इलाका है जहाँ हमारे पास 6 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ और 6 डिफरेंट कल्चर हैं, लेकिन आज के दौर में जो हमारा बच्चा है, जो खास यंगर जनरेशन है, एज ए टूरिस्ट एक्सपर्ट मैं ये देखता हूँ कि वो बच्चा अपने रूट्स से, अपने आइडेंटिटी से बिल्कुल दूर हो रहा है। तो जो भी बच्चा टूरिज़्म में आना चाहता है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में, इस शोबे में स्कोप बहुत ज़्यादा है, वो एक टूरिस्ट गाइड बन सकता है, एक ट्रैवल एजेंट बन सकता है, और उसके साथ साथ एक होटेलियर बन के अपने कल्चर को, अपने आइडेंटिटी को, और ख़ासकर उसके लिए सबसे ज़रूरत है कि वो अपने रूट्स से जुड़ जाए, जिस रूट्स से वो ताल्लुक़ रखता। थैंक यू।